खबर गुरुग्राम से, जहां पर एनएसजी के रिटायर्ड कमांडो ने मानेसर के पास कासन गांव के मौजूदा सरपंच को गोलियों से भून दिया, जिससे सरपंच की मौके पर मौत हो गई। वहीं हत्या करने के बाद रिटायर्ड कमांडो ने थाने में जाकर सरेंडर भी कर दिया। दरअसल सरपंच की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसके चलते गांव और अस्पताल में भारी पुलिस बल की तैनाती की हुई है। वहीं पुलिस हत्या की शुरुआती कारण पैसों के लेन देन को मान रही है। गांव वालों के मुताबिक दोनों में गहरी दोस्ती भी थी, लेकिन अचानक रिटायर्ड कमांडो के इस कदम से हर कोई अचंभित रह गया। दरअसल बुधवार शाम करीब 8:30 बजे मानेसर के पास कासन गांव के सरपंच बहादुर सिंह अपनी डेरी पर थे, तभी वहां उनके ही गांव के रहने वाले पूर्व एनएसजी कमांडो सुंदर वहां पहुंचे और आते ही अपनी लाइसेंसी पिस्टल से सरपंच बहादुर सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। जब तक कोई समझ पाता तब तक सुंदर ने पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। डेथ हो गई है, पूछताछ के लिए जो नाम आया टीम भेजी हुई है, जल्दी काबू कर लेंगे। अभी एक शुरू में नाम जो हमारे को एक सुरेंद्र नाम का